संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान राम लला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ठाकुर हट जाएगा। राम मंदिर के बनने की मुझे बहुत आशा जग गई है, जल्दी बनने की आशा जगी। ये टिप्पणी ठीक है सुप्रीम कोर्ट? जब किसी पक्षकार का ये मुद्दा ही नहीं था कि साहब विभाजन करो, जो मांगते थे सपूसी ही मांगते थे। वे अपने ऐसे स्थानों को खुदते में देख सकता, ये हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदारवादी है, हिंदू उस पर विश्वास करता, हर चीज पर विश्वास करता। लेकिन ये आश्चर्य हो रहा है इस देश के अंदर जो विदेशी आक्रांता बाबर आया, आज उसका इस देश के अंदर पक्ष ले रहे लोग। राम जन्म स्थान की उस 2.7 एकड़ जमीन को विभाजित कर दिया जाए, बोले विभाजन तो किसी ने मांगा ही नहीं था, ही विभाजन करके सिद्ध किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोविंद चतुर्वेदी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी ब्रज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माननीय विनय कटियार जी। आज हम दिल्ली में हैं और जो कि बजरंग दल के संस्थापक भी रहे हैं, तो माननीय नेताजी से हम पूछना चाहेंगे कि जो नेताजी आपने बजरंग दल की जो स्थापना की वो किस बेस पर की, क्या उद्देश्य था उसका? उसका उद्देश्य तो जन जन तक पहुंच गया, राम मंदिर को मुक्त कराना। अब वो मुक्त हो गया, मंदिर बन रहा है, वो काम पूरा हो गया। बजरंग दल का जो मूल काम था वो पूरा हुआ। अब दूसरा है काशी और मथुरा का, अब देखेंगे कौन सा पहले लिया जाए, काशी लिया जाए कि मथुरा लिया जाए, उस पर विचार करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, सबके साथ किसको लेना है। तीन स्थान की मुक्ति की बात थी जिसमें राम की जन्मभूमि प्रथमता, क्योंकि हमारा वहाँ पर कोई नहीं रहता था, वो मुक्त हो गई। काशी में भी लोग हैं और मथुरा में भी लोग हैं, तो देखेंगे। मथुरा में कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस एक दरवाज़ा फोड़ देना है और उसी में अंदर जिसको मस्जिद बता रहे वही पुराना हमारा मंदिर है, उसी में घुस करके प्रवेश करना है और कुछ नहीं है। अब उसका जब समय आएगा तो घोषणा की जाएगी, अभी तो फिलहाल स्थगित है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी मतलब क्या क्या कदम रहेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राम जन्मभूमि जो आंदोलन हुआ उसमें माननीय नेताजी का पूरा पूरा सहयोग रहा, भूमिका रही, तो नेताजी आपकी क्या क्या भूमिका रही उसमें? सब हो गई भूमिकाएं जी, सरकार बन गई, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। सरकार बननी चाहिए, उसके लिए प्रयास हुआ, सरकारें बन गई और सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। उसमें जो हिंदू एजेंडा है वो भी पूरा हो रहा है, वो सब काम पूरा हो रहा है।